फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में एएमयू के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर हुमा परवीन और केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर में लेक्चरर पद पर तैनात उनके पति नईम शौकत के खिलाफ गांधी पार्क थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों पर सेना और केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए पोस्ट डालने का आरोप है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक कुमार पांडे ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि हुमा परवीन और उनके पति ने फेसबुक पर लगातार भड़काऊ पोस्ट की थी। इस मामले में 12 अक्टूबर को गांधी पार्क थाने में तहरीर दी गई थी और अयोध्या पर फैसला आने से पहले भी एसएसपी से शिकायत की थी। अशोक कुमार पांडे के मुताबिक 14 नवंबर की दोपहर 2 बजे भी फेसबुक पर दोनों की पोस्ट देखी गई। इनमें प्रधानमंत्री पर व्यंग किया गया है। आरोप लगाया गया है कि पोस्ट के जरिए कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे सेना का मनोबल गिरने की कोशिश की गई है। नईम शौकत की पोस्ट टॉयलेट इज ऑन फॉर माइंड और हुमा परवीन की पोस्ट संपर्क टूट जाना कितना खतरनाक और दुखद होता है, चाहे चंद्रयान हो या कश्मीर। आरोप लगाया गया है कि इससे पहले तो परवीन कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानती।